टमाटर ले लो, टमाटर सबसे सस्ता टमाटर हमारे यहाँ मिलेगा, ले लो बढ़िया बढ़िया लाल लाल टमाटर। अरे बाबू टमाटर कैसे दिए? 160 रुपया किलो भैया। अरे क्या बोल रहे हो, 160 रुपया किलो हो गया टमाटर? साला टमाटर का रेट तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे लगता है सोना का भाव हो गया। शेयर मार्केट का भी इतना प्राइस जल्दी नहीं बढ़ता है जितना जल्दी तुम लोग टमाटर का भाव बढ़ा रहे हो। इतना महंगा टमाटर खाएंगे तो खून का आंसू आएगा। कैसे इतना महंगा हो गया टमाटर? अरे भैया सोना का रेट घट गया है इसीलिए तो टमाटर का रेट बढ़ गया है। बैलेंस कैसे होगा, जब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा तब ना। ऐसे भी हम लोग का कद्दूपुर में जब एक चीज घटता है तो दूसरा चीज बढ़ जाता है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण बता देता है। और ऐसे आपको बता दे, टमाटर का रेट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि फसल खराब हो गया है और सबसे सस्ता हम लोग के यहाँ मिल रहा है। ले लीजिए बढ़िया टमाटर है लाल लाल, अभी पता है ना आपको 135-140 रुपया मिल रहा था, कल ही दाम बढ़ गया 160 रुपया हो गया है। वो भी हम बेच रहे हैं मार्केट में तो 180 रुपया, 200 रुपया किलो भी बेच रहा है लोग सब। हम तो कहते हैं 5 किलो ले लीजिए, तिजोरी में रख दीजिएगा, समझे? थोड़ा थोड़ा निकाल के खाइएगा। और सुनिए, टमाटर रख के कहीं छोड़ नहीं दीजिएगा, नहीं तो चोरी भी होता है, घर में भी तिजोरी में रखिएगा। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ 1 किलो टमाटर लेंगे कितना में दोगे? अरे भैया बहरा है क्या, अभी तो बोले 160 रुपया किलो देंगे। अरे मेरा पूछने का मतलब है कम करोगे कि नहीं? अरे आप एक काम कीजिए, आप इतना बोल रहे हैं तो 2 रुपया कम दे दीजिएगा, चलिए पैक कर दे। अरे 2 रुपया में क्या होगा? अरे जब 2 रुपया में कुछ नहीं होगा तो 160 रुपया दे दीजिए और ले लीजिए, बढ़िया लगेगा टमाटर, टमाटर का चटनी बना के खाइएगा खिचड़ी के साथ। अरे तुम खाओ खिचड़ी और टमाटर का चटनी, हमको नहीं खाना टमाटर। हम टमाटर तभी खाएंगे जब टमाटर सस्ता मिलेगा। हाँ तो ठीक है, अगला साल खाइएगा आप। अरे हाँ हाँ खा लेंगे हम। आज टमाटर का चटनी बनाओ ना खिचड़ी के साथ, मस्त लगता है हमको खाने में, और उसमें मटर और आलू भी डालना, बहुत बढ़िया लगता है, मन कर रहा है हमारा आज खाने का खिचड़ी और चटनी। हाँ बेटा पापा गए हैं मार्केट टमाटर लेने, आएंगे टमाटर लेके तो बना के खिलाएंगे। ठीक है मम्मी खिलाना गरम गरम। हाँ सुनो कद्दू की माँ। गरम गरम। हाँ सुनो कद्दू की माँ, गोभी और आलू लेके आए हैं, रख दो फ्रिज में। अरे आप खाली गोभी और आलू लेकर आए हैं, टमाटर जो लेने गए थे वो क्यों नहीं लेकर आए हैं? अरे टमाटर लेने तो गए थे लेकिन ठग रहा है मार्केट में, टमाटर दे रहा है जो मन में आ रहा रेट बता रहा था, 160 रुपया किलो बेच रहा था टमाटर। बताओ 160 रुपया किलो में टमाटर खाएंगे इतना महंगा? टमाटर का काम ही क्या होता है, दाल में थोड़ा सा डाल देती हो, सब्जी में थोड़ा सा डाल देती हो, बिना टमाटर का सब्जी बनाओ बढ़िया लगेगा, और अगर सब्जी का रंग लाल करना है तो रंग डाल दो सब्जी में, हो जाएगा लाल। जब टमाटर सस्ता होगा तब खाएंगे हम लोग, इतना महंगा थोड़ी ना खाएंगे, हम लोग इतना पैसा वाला थोड़ी ना है, इतना महंगा टमाटर खाएंगे? टमाटर है कि सोना है। और हम तो सोच रहे हैं एक काम करेंगे, बजाय जाके बीज लेके आएंगे, अपना छत पे ही टमाटर का पौधा लगाएंगे, टमाटर उगेगा तोड़ तोड़ के खाएंगे, मार्केट से क्या खरीदेंगे? जब देखो साला तब टमाटर का रेट हाई हो जाता है, कभी प्याज का रेट हाई हो जाता है, अब तो लगता है घर का छत पे खेती करना पड़ेगा, सरकार का कोई गारंटी नहीं है। बोलेंगे टकला नेता को क्या तमाशा लगा के रखा है तुम, जब से तुम्हारा सरकार बना कद्दूपुर में तब से देख रहे कोई ना कोई चीज का दाम बढ़ जाता है, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो कभी टमाटर का दाम बढ़ता है, कभी सोना का दाम बढ़ता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, क्या चल रहा है सब? जब एक टैक्स है कद्दूपुर में तो एक रेट भी होना चाहिए ना, टैक्स एक रेट अलग, और वो भी साला हर दिन बदलता है पता ही नहीं चलता है, ऊपर से साला रेट बढ़ाना होता है तो 10 रुपया बढ़ा देता है और घटाना होता है तो 8 घटाता है, इतना अंतर, बढ़ाएगा तो 10%, घटाएगा तो 8। और साला जब आलू का रेट बढ़ता है तब समोसा का रेट 12 रुपया हो जाता है, और जब आलू का रेट घट जाता है तब समोसा का रेट नहीं घटता है, वो 12 ही रुपया रहता है, तमाशा लगा के रखा है, नहीं खाएंगे टमाटर। लेकिन काला कद्दू के पापा गोरा कद्दू तो बोल कर गया है कि उसको आज खिचड़ी और टमाटर की चटनी खाना है, तो मैंने उसको कह दिया है कि आप टमाटर लेने गए हैं तो मैं उसे आज टमाटर की चटनी बना के खिलाऊंगी। अरे उस सुअर को रहने दो, टमाटर का चटनी खाना है उसको, 160 रुपया किलो मिल रहा है, कहाँ है वो, उसको हमेशा महंगा चीज खाना होता है, कमाया है कभी? अभी बुलाते उसको, रोज का नाटक है उसका, फरमाइश बताता है ये खाएंगे वो खाएंगे। अरे पापा आप टमाटर ही लेके आ गए। क्या रे टमाटर खाएगा, सारा दिन फरमाइश करते रहते हो, टमाटर चाहिए तुमको, पता है कितने का मिल रहा है टमाटर? 160 रुपया किलो। अरे 160 रुपया का मिले या 180 रुपया का, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको टमाटर खाना है आज और हम खा के रहेंगे, मम्मी हमको बोली है बना के देगी खिचड़ी और चटनी, जब इच्छा हो तब खाना चाहिए, रेट नहीं देखना चाहिए खाते समय। हाँ रेट वही देखता है जो कमाता है, समझे, कमाए हो 1 रुपया भी, 160 रुपया का टमाटर खाना है तुमको, चुपचाप से बैठे रहो, कोई टमाटर नहीं बनेगा घर में, करेला बनेगा, करेला खाओगे तुम, पड़ा हुआ है परसों का खराब हो रहा है वही खाओगे, 160 रुपया का टमाटर खाना है बाबू साहब को। अरे हमको नहीं खाना है करेला वरेला, ऐसे ही हम नहीं खाते हैं, ऊपर से बासी खाएंगे। अरे हम बोल दिए ना हम टमाटर खाएंगे तो खाएंगे, अगर आप नहीं ला के देंगे तो आपका पैसा चुरा लेंगे, मार्केट से 10 किलो लेके आ जाएंगे।
अरे मारेंगे जूता ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा, पैसा चोरी करेगा, पगलेट कहीं का टमाटर खाने के लिए घर में चोरी करेगा, यही सिखाया तुमको, चुपचाप से बैठे रहो। सुन लो कद्दू की माँ, करेला बनाओगी तुम। लेकिन आप भी तो करेले नहीं खाते हैं, तो हम क्या करें, करेले बनाए कि नहीं? अरे करेला इसके लिए बोल रहे बनाने के लिए, मेरे लिए नहीं, हम क्या खाएंगे बाद में बता देंगे तुमको। हाँ अपने कुछ और खाइए, हमको करेला खिलाइए, हम भी नहीं खाएंगे करेला, अब हम जाएंगे मार्केट टमाटर लेके आएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है टमाटर वमाटर लेने का मार्केट से, तुमको अगर टमाटर खाना है तो एक काम करो, बगल में बबलू जी रहते हैं ना, उनके घर जाओ, हम उनको देखे थे मार्केट से 2 किलो टमाटर लेके गए थे, 2 टमाटर उनसे मांग के आओ। अरे हम भिखारी है क्या जो उनसे टमाटर मांगेंगे, टमाटर भी कोई मांगने का चीज है क्या? अरे जिस चीज का रेट और डिमांड हाई हो उसको मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। अरे तो एक काम कीजिए, आप अपना शर्म उतारिए और अपने जाके लेके आइए। अरे हमको टमाटर नहीं खाना, तुमको खाना है, तुम जाके लेके आओ। अरे हम नहीं जाएंगे, और आप अगर हमको टमाटर नहीं खिलाए तो आप कम पैसा चुराएंगे बस। अच्छा ठीक है हम इंतजाम करते हैं, शांत रहो तुम, खिलाएंगे टमाटर तुमको, हमको सोचने दो। अरे हाँ हाँ तुम करेला बनाओ ना, करेला खराब हो जाएगा, परसों का पड़ा हुआ है, टमाटर देखेंगे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नहीं मिलेगा टमाटर तो यही खिला देना बच्चा लोग को, और मेरे लिए मटर पनीर का सब्जी बनाना। हाँ बेटा काला कद्दू आ गए ना बाजार से, तुमसे हमको काम था। बोलिए पापा क्या काम है? एक काम करो, बबलू जी के घर जाओ, 2 पीस टमाटर मांग के लाओ, काहे कि गोरा कद्दू को खिचड़ी और चटनी खाना है, तुम्हारी मम्मी बोली है कि उसको टमाटर का चटनी बना के देगी आज, इसीलिए जाओ टमाटर लेके आओ। अरे हम कहे जाएंगे, गोरा कद्दू को खाना है तो गोरा कद्दू जाए ना भीख मांगने के लिए, हम कहे जाएंगे, हमको नहीं जाना किसी बबलू टबलू के यहाँ। अब ये दिन आ गया कि काला कद्दू जाकर टमाटर मांगेगा किसी के घर में, हम भिखारी है क्या? अरे चुप रहो तुम, भिखारी है क्या, टमाटर मांगने में भिखारी कैसे हो गए तुम, टमाटर का जरूरत है क्यों नहीं मांग सकते हो, जाके मांग के लाओ। छोटा भाई का इच्छा कर रहा है टमाटर खाने का, तुमको फोटा नहीं लगा हुआ है, हम भिखारी हो जाएंगे, इतना क्या लाज लगता है तुमको, जाके मांग के आओ, कुछ नहीं कहेगा दे देगा। अरे टमाटर खाना है तो खरीद कर लाइए, किसी से मांगने का क्या जरूरत है, और अगर उस सुअर को ज्यादा खाने का खुजली है और आप नहीं खरीद सकते हैं तो उसी को भेजिए टमाटर लाने के लिए, खाएगा साला वो, लाएंगे हम, भिखारी हम बने, वो मस्ती करे, अगर आपका वो बिगड़ेल बेटा नहीं जा रहा तो आप अपने लेकर आइए। अरे चुप रहो तुमको एक बार में कोई भी बात बोलते हैं तुमको समझ में नहीं आता है, हमेशा जबान लड़ाते हो, जाके टमाटर लेके आओ नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे आपसे बड़ा और हो भी कौन सकता है, अपना बेटा से भीख मंगवाते हैं जा रहे लाने के लिए, नहीं तो दीजिएगा चमेटा और क्या कीजिएगा। लेकिन बता देते अगर वो बबलू हमको कुछ बोला तो उसको गड़िया कराएंगे, बाद में लड़ते रहिएगा। अरे बबलू चाचा 2 पीस टमाटर दीजिए तो, हम लोग चटनी बनाकर खाएंगे घर में। अरे साला भिखारी, चटनी खाना है तो अपना टमाटर मार्केट से खरीद के लाओ, हमसे क्या मांगने आए हो, 160 रुपया किलो टमाटर लेके आए भीख मंगा, तुमको कैसे दे दे, भीख मांगता है शर्म नहीं लगता है? तुम्हारा बाप देखा नहीं हमको टमाटर लेते हुए, भिखारी की तरह भेज दिया अपना भीख मंगा बेटा को, जाके 2 पीस टमाटर लेके आओ, तुम्हारा बाप पैसा दिया था क्या हमको टमाटर खरीदने का, जाओ जाके रोड पे भीख मांगो, पैसा जमा होगा तो टमाटर खरीद के खा लेना, जाओ जाओ। अरे तुम भीख मांगो साले जाकर, ये तो पापा बोले जो आए तुम्हारे पास टमाटर मांगने, नहीं तो तुम्हारा दहलीज पर हम थूके भी नहीं। अरे थूकना भी नहीं, अगर थूके ना हमारा दहलीज पे तो तुम ही से चटवाएंगे, चलो जाए ऐसे। अरे क्या हुआ बबलू जी, काहे चिल्ला रहे इतना? अरे ये काला कल उठा लड़का काला कद्दू हमारा घर में भीख मांगने आया है, कह रहा 2 पीस टमाटर दे दीजिए, देख रहे भीख मांगा को? अरे इस लोग का खानदान का पुराना आदत है, पहले मांगता है नहीं दीजिएगा ना तो चोरी कर लेगा, एक नंबर का घटिया खानदान है इसका, एक काम कीजिएगा टमाटर छुपा के रखिएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, भीख मांगा है एक नंबर का भीख मांगा, चोर तो देखने में लगता है तो चोरी करने में समय थोड़ी ना लगेगा ये लड़का, कह रहे काला कल उठा चोरी करने के बारे में सोच रहे हो ना, है टमाटर खाएगा, है टमाटर खाएगा बेटा, देख 160 रुपया लेके आए 1 किलो टमाटर, एक काम करो पैसा नहीं लगेगा, एक आइडिया बताते हैं, सब्जी मंडी में जाओ, वहाँ एक तो काली भैंस रहती है, वो खाती है चबर चबर करके समझे, उसका देखो सामने में पड़ा हुआ टमाटर सब लेके आ जाओ, वही खाओ, कहे कि वही तुम लोग खा सकते हो देख मंगा सब। एक कुत्ता से बात करो तो दूसरा भौंकने जरूर आता है, हमको पहले ही से पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हम इस सुअर से बात करेंगे तो दूसरा सुअर आएगा वो चलने के लिए। साले तुमको बहुत गर्मी है ना पैसा का, दो साले 16,000 रुपया अभी खरीद कर लाते 100 किलो टमाटर हम दो साले, और आ बात काली भैंस का तो उसका जो सरा गला टमाटर है ना वो भी ला कर देंगे तुमको, दे दो एक बार 16,000 रुपया, वो सरा गला टमाटर तुम खाना बढ़िया टमाटर हम खाएंगे। सेठ जी दीजिए पैसा, कहीं नहीं दे रहे हैं, दीजिए 16,000 रुपया, अभी तो बड़ा होशियारी जा रहे थे कि 160 रुपया देंगे, दीजिए 16,000 रुपया, पूरा साल भर का राशन लेकर आएंगे हम। ये आपका हाल भी हमारा बाबूजी की तरह है, जैसे वो हमको भीख मांगने के लिए भेजे वैसे ही गाल नहीं है तुम्हारा साले। अरे तुम भीख मांगता होगा समझा,
और तुम्हारा बाप भीख मांगता होगा। तुम्हारा कितना नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा घर में टमाटर भरा पड़ा है, समझे? तुमसे कौन चीज लेके खाएंगे भीख मांगा सब? आपने भीख मांगते हो मोहल्ला में, टमाटर दे दो टमाटर दे दो, और दूसरे को आरोप लगाते हो कि उसके घर में टमाटर नहीं है। रहने दीजिए बबलू जी इसको, भाग भाग के चला जाएगा कुत्ता, कुत्ता लोग का मुंह नहीं लगा जाता है। चलिए अंदर चलिए। हाँ सही बोल रहे, कुत्ता है एकदम काला कुत्ता, देखने में घिन आ रहा है। चलिए अंदर चलिए, जा रहे कुत्ता भागो भाऊ भाऊ। इस अलग पापा और गोरा का तो हम नहीं छोड़ेंगे, उन लोग के चक्कर में हमेशा हमारा बेइज्जती होता है। ये तो हमारा दिमाग है जो हम इन लोग का भी बेइज्जती कर दिए, लेकिन साला लास्ट में हमारा ही बेइज्जती हो गया। क्या कर अभी बताते हैं। क्या हुआ काला कद्दू, टमाटर मिल गया? पापा बता रहे थे कि तुम टमाटर लेने गए हो मेरे लिए। अरे एक जोता मानेगा ना रे सुअर, टमाटर खाना ही भूल जाएगा। अगर इतने खाने का खुजली होता तो जाओ ना अपने भीख मांगो, हमको काय भेजवाता है पापा को बोलकर। तुम्हारे चक्कर में साला सुअर हमको टकला नेता कुत्ता बोला, और वो बबलू टबलू भी हमको कुत्ता बोला। हम कुत्ता है जो हमको कुत्ता बोल रहा था। अरे तुम कुत्ता है तभी ना भौंक रहा है। हम पापा को नहीं बोले थे कि काला कद्दू को भेजिए भीख मांगने के लिए, हम तो उनको बोले थे मार्केट से खरीद के लाइए। हमको भी बोले थे वो कि जाके मांग के लाओ, हम तो साफ मना कर दिए क्योंकि हमको अपना इज्जत प्यारा है। लेकिन तुमको अपना इज्जत प्यारा नहीं है क्योंकि तुम तो कुत्ता हो ना, और कुत्ता का इज्जत क्या होता है? वो तो गली का आवारा कुत्ता होता है, तुम भी आवारा कुत्ता हो काला कुत्ता। तो तुम गए भीख मांगने, बेइज्जती हुआ तो हुआ, अब सो। काला एक तो तुम्हारे चक्कर में हमको सब कुत्ता बोला, ऊपर से तुम भी कुत्ता बोलता है। तुमको तो साले आज हम सुअर से कुत्ता बना कर ही छोड़ेंगे, अभी बताते हैं तुमको साले डरी होशियार बनता है। अरे आज आज दिखाते हैं तुमको, दिमाग खराब करके रखा है। एक तो पापा हमको टमाटर ही नहीं खिलाए, ऊपर से तुम बकवास कर रहा है। आज सारा गुस्सा उनका तुम्हारे ऊपर हम निकालेंगे, छोड़ेंगे ना। लाल लाल टमाटर खाने को नहीं मिला है ना हमको, आज आज हम तुम्हारा लाल लाल खून निकाल के पिएंगे। आ जाओ हमको मारेगा, हट हट हट, दोनों सुधरेगा नहीं। एक को टमाटर खाना है, एक को लाज लगता है, आज दोनों को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे पापा छोड़िए, हमको छोड़िए, हम तो नहीं छोड़ते, एक तो टमाटर ही खिलाओ, पर मार ले। अरे छोड़ दीजिए पापा, छोड़ दीजिए, इस गलती में सजा आपको काहे दे रहे हैं। आप टमाटर नहीं लाए, इसको टमाटर खाना था सलाद में, हमने क्या मतलब था, गाली पे खाए मार के हम ही करे। अरे नहीं छोड़ेंगे। Yeah.